रोहतास जिले के चिनारी विधानसभा में रोहतास ब्लॉक के अंतर्गत गांव थसा है, जो पहाड़ पर बसा हुआ गांव है। लोगों का कहना है, हम लोग गांव में सड़क नहीं होने के कारण लोग 30 से 35 किलोमीटर पैदल चलकर रोहतास ब्लॉक या बाजार करने के लिए आते हैं। 30 से 35 किलोमीटर वापस आना पड़ता है। स्कूल तो है, लेकिन पढ़ाने के लिए शिक्षक नहीं आते। हम लोगों को यहाँ कोई भी विकास कार्य नहीं होता। गरीब लोगों का कुछ भी लाभ नहीं मिल पाता। यहाँ तक कि हम लोगों को राशन भी नहीं दिया जाता। इसलिए हम लोग इस बार सरकार परिवर्तन करना चाहते हैं, ताकि हमारे गाँव का कुछ विकास हो सके। तक राज्य की, हाँ ठीक है, लेकिन उन्होंने आप लोग को किसी प्रकार का कोई व्यवस्था कोई व्यवस्था नहीं की भैया, कोई व्यवस्था नहीं की। आपके सामने बा जितना भी बात सामने बा, नली गली बनले नहीं के, रोड बनले नहीं के, बिजली आइले नहीं के, तो हमने के सुविधा मिलल कहाँ से बा भैया। हमने के तो कीड़ा के तरह एक जी रहा बन जा। कोई तरीका से अगर यहाँ बीमार भी हो गया तो कोई साधन नहीं के, हमने के अपन पर परिवार के ले जाके इलाज भी करा सके। इधर अगल बगल के हॉस्पिटल, कोई हॉस्पिटल नहीं के भैया। यह जगह पर आज तक कोई हॉस्पिटल नहीं थे, आज तक यहाँ कोई व्यवस्था ना मिलल हमने के। ये चलते हमने चाहत रहे जा कि अभी तक से अगर सुधार हो जाए तो बहुत बढ़िया रहे। सामने अंधेरा में हमने बानी जा, रोड पर आवे जाए के कोई आवागमन नहीं थे, कोई मतलब साधने नहीं थे कि यह जगह पर कोई आ सकेला जा सकेला। अभी वोट लेबे खातिर एक दूगो गाड़ी आये, एक दूगो प्रत्याशी अलन बोलन कि हाँ हम हाई कर दे भाव कर दे, लेकिन जीत के चल गई के बाद कोई ताके वाला नहीं है जगह कि पहाड़ के ऊपर भी गांव बा वह जगह भी आदमी बाड़न। ऐसा तो भैया आज तक कोई नहीं मिलल हमने के नीतीश कुमार जी के विकास की काम है, लेकिन कोई विकास ना मिलल हमने के आज तक जी, कोई विकास ना मिलल। लेकिन अब की बार 2020 में आप लोगों का किसको संबोधित करना चाहते हैं? अरे अभी तो चुनाव अब तो नजदीक आ गई बा, हाँ, अब ज्यादा टाइम नहीं है, चार पाँच दिन टाइम बटे जी। लेकिन देखिए अब तो ऐसे हमने क्या कहा जाए, उम्मीद तो हमने के बाटे मुरारी गौतम जी के, मुरारी गौतम जी के, हाँ कुछ कर, हाँ हाँ भविष्य में रावा किसी प्रकार का कोई पेंशन ना मिले, बूढ़ा पेंशन सरकार के कोई तरफ से व्यवस्था नहीं है। रोवा बाबा बोली, हम लोग कुछ नहीं की व्यवस्था, कोई व्यवस्था नहीं से मिल पावत। आखिर रवानी मुखिया या वीडियो वीडियो भी कब गईल नहीं जा शिकायत लेकर के काम के काहे नहीं जा, कोई सुनवाई एक बार नहीं जा, बाकी ना रहे जा, लेकिन 100 बार कह ले मैं, लेकिन एको बार सुनवाई ना भाई। 100 बरस के बूढ़ा बड़न, लेकिन आज तक इनका का सुविधा मिलल, कोई सुविधा नहीं की मिलल। देखा सामने 100 बरस उम्र हो गईल, बूढ़ा पेंशन आज तक कभी मिलल की ना, कबो ना मिलल। रावाग पंचायत के जो मुखिया है, पंचायत के राजा बा बस जीत गए, लोकर काम खत्म हो गए, कोई प्रकार के व्यवस्था नहीं है। हाँ बाबा ने पूछ लो भैया, रघु माता जी बोली, रावा सरकार से कोई प्रकार की व्यवस्था मिला था, जैसे बूढ़ा पेंशन हो गए, इंदिरा आवास हो गए, शौचालय वाला हो गए, कोई प्रकार के व्यवस्था, कुछ राशन भी नहीं है, बीपीएल कार्ड नहीं, कुछ किसी प्रकार भी कार्ड नहीं है, कुछ मिलते नहीं ना। पिछड़ी इलाका होते हुए आखिर रवानी कबो भी गईल है जब ब्लॉक में कि हमने के कार्ड बनी या ना बनी, लेकिन कोई रवानी का आवाज सुन नहीं के पावत। आई बुढ़ाओ दो तीन बार गोना आधार कार्ड बनाओ तो नहीं, बुढ़ाओ बनवे ना कर, भीड़ के चलते चल रोमनी के अभी तक आधार कार्ड भी नहीं के बनल। बीपीएल बा, बीपीएल राउर बा, नहीं है राशन भी ना मिले, ना मिले कुछ ना मिले। एक गांव में अब तो गांव बढ़ल ना, देखते ना बन दिन के बढ़ल 900 घर आनी बा, लेकिन कोई के अभी तक राशन ना मिले। ना ना भैया बीपीएल नहीं के, इंदिरा आवास के बीपीएल बा, ना कुछ नहीं के इंदिरा आवास के कोई, ना ना भैया इंदिरा आवास कहां बाटे गांव में, एको मिलले नहीं के आज तक। बीपीएल भी इतना पिछड़ा इलाका होते हुए बीपीएल हमने के चाहत रहे, बीपीएल के सहारे इंदिरा आवास मिल रही भैया, लेकिन हमने के कोई सहारा नहीं के सरकार की तरफ से, कोई सरकार की तरफ से कोई सहारा नहीं के। अब की बार रवानी सरकार चेंज करी, हमने सरकार जरूर चेंज करल जी, हमने के पूरा उम्मीद बा प्रतिनिधि के चुनी जौन के रवानी के साथ दे सके, साथ में साथ चल सके, हाँ हाँ सके, हाँ वही हमने के पूरा उम्मीद बाटे कि हमने चेंज कर दिया जी। इसलिए कि हमने के इतना पिछड़ा इलाका होते हुए तो बीपीएल कार्ड चाहत रहे, राशन कार्ड कुछ चाहत रहे ना, लेकिन आज तक कुछ मिलल नहीं, तो हमने जरूर चेंज करल जी, ये चीज से हमने उब गई बानी। और मान लीजिए ये कोरोना महामारी में
सरकार ने बोला था कि हर घर को फ्री में राशन देंगे। हाँ भैया, तो हमने के कुछ नहीं के मिलल आज तक, तो हमने ये बात की जानकारियो नहीं के कौना जगह ऐलान कैलन कौना जगह बांटलन। 5 किलो चावल, हाँ, गेहूं, हाँ, दाल फ्री में देना था, हमने कहा पाव भरना पहुँचल आज तक, पाव भरना 250 ग्राम भी अगर फ्री वाला पहुँच रही तो हमने जानते जाके सरकार में इतना सुविधा मिला, लेकिन हमने की तो भैया मिलल नहीं है। बीपीएल के सहारे, अरे हमने के विधायक जी तो दूर बनी, पंचायत के मुखिया तक से घूमे नहीं किया वो गली में, शिव नारायण उराम, हाँ शिव नारायण उराम, जो कि गली में कचड़ा भरल बा गली में। तो क्या सच है क्या झूठ, अब होगा जो सच वही खबर। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले और देखते रहे HBN News।